गाड़ी घुमाइए जल्दी। बहराइच हिंसा के बाद अब एक्शन का दौर शुरू हो गया है। एक दिन पहले नेपाल बॉर्डर पर, जहां रामगोपाल मिश्रा की हत्या के आरोपी मोहम्मद सरफराज और मोहम्मद तालीम का एनकाउंटर किया गया, तो वहीं दूसरे दिन महसी इलाके के महाराजगंज में शुक्रवार को पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंची। प्रशासन ने उन घरों में लाल निशान लगाए जो अवैध अतिक्रमण कर बनाए गए थे। वहीं लोक निर्माण विभाग की तरफ से नोटिस भी चस्पा की गई है। अब ये तो तय है कि महाराजगंज में बुलडोजर गरजेगा। प्रशासन के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 3 दिन में रामगोपाल मिश्रा की हत्या करने वाले आरोपी सरफराज के घर पर बुलडोजर चलेगा। प्रशासन ने बाजार में स्थित 23 घरों पर नोटिस चस्पा किया है। इनमें से 20 घर मुस्लिम समुदाय के हैं, तो वहीं 3 घर हिंदुओं के भी हैं। नोटिस चस्पा करने के साथ ही अतिक्रमणकारियों से 3 दिन के भीतर घर को खाली करने का निर्देश दिया गया है। स्वतः अतिक्रमण न हटाने पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की जाएगी। रामगोपाल मिश्रा की हत्या करने वाले मुख्य आरोपी सरफराज का घर भी इस कार्रवाई की जद में आया है। बता दें कि सरफराज ही वह शख्स है जिसने जुलूस के बीच रामगोपाल को अगवा कर उसकी हत्या की थी। सरफराज ने पहले रामगोपाल को अगवा किया, फिर 35 गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी। हत्या की इस वारदात में सरफराज के साथ उसके पिता अब्दुल हमीद, भाई मोहम्मद फहीन सहित 2 अन्य लोग भी शामिल थे। बीते गुरुवार को नेपाल बॉर्डर पर पुलिस ने इनमें से 2 लोगों, मोहम्मद सरफराज और मोहम्मद तालीम का एनकाउंटर किया। ये हांडा बसेहरी नहर से होते हुए नेपाल भागने के फिराक में थे। इनपुट मिलते ही यूपीएसटीएफ की टीम ने इनको घेर लिया। पुलिस ने पहले तो आरोपियों से सरेंडर करने को कहा, लेकिन आरोपी फायरिंग करने लगे। इस दौरान पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से मोहम्मद सरफराज और मोहम्मद तालीम घायल हो गए। वहीं अन्य अब्दुल हमीद, मोहम्मद फहीन और मोहम्मद अफजल को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब महाराजगंज इलाके में बुलडोजर एक्शन को लेकर लोग सकते में है। वहीं ये भी जानकारी निकल कर सामने आई है कि यहाँ बुलडोजर एक्शन होना पहले से ही प्रस्तावित है। बाजार में सड़क के दोनों तरफ बने मकानों में से कई ने अतिक्रमण कर बनाया है। एक साल पहले महसी एसडीएम और पीडब्ल्यूडी विभाग की टीम ने बाजार में नाप जोक कर अतिक्रमण कर बनाए गए घरों पर निशाना लगाया था। हालांकि निशाना लगाने के बाद एक्शन नहीं हुआ। अब जब हिंसा भड़की तो आनन फानन में कार्रवाई का दौर शुरू हो गया।